आम बोलचाल की भाषा में लोग एक कहावत कहते हैं, कहते हैं किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दुनिया यूं ही चलती रहती है। लेकिन राजनीति में कई बार फर्क पड़ता है, और वो भी तब पड़ता है जब चुनाव आपके सिर पर हो। राजस्थान में चुनाव अब सिर पर है, लोग विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले होने हैं। तो राजस्थान के नागौर में एक सियासी खेल हो गया। नागौर से पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उनकी पहचान एक बड़े सियासी परिवार से है। सोमवार को दिल्ली के बीजेपी के मुख्यालय में ज्योति ने बीजेपी ज्वाइन की। ज्योति मिर्धा राजस्थान के मारवाड़ इलाके से आती हैं, वो वहाँ के चर्चित सियासी परिवार से। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। माना जा रहा है कि ज्योति के रूप में बीजेपी को नागौर सीट पर एक तगड़ा उम्मीदवार मिल गया है। चर्चा तो यहाँ तक भी है कि विधानसभा चुनाव भी लड़ाया जा सकता है, लेकिन वो पहले सांसद रही हैं तो सांसदी लड़ने के भी पूरे कयास हैं, और बात हो रही कि 2024 में लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। ज्योति के साथ सवाई सिंह चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो गए। सवाई सिंह खिंसवार सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, वो रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा और 2024 की लोकसभा से पहले बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को पार्टी में लेकर नागौर के सियासी समीकरण को साधने का प्रयास किया, ऐसा माना जा रहा है। मिर्धा परिवार का अब तक नागौर की सियासत में गहरा प्रभाव माना जाता है। नाथूराम मिर्धा नागौर से 6 बार सांसद रहे थे। नाथूराम मिर्धा के बेटे और ज्योति मिर्धा के चाचा भानु प्रकाश मिर्धा भी बीजेपी के टिकट पर नागौर से सांसद रह चुके हैं। भानु प्रकाश मिर्धा ने नाथूराम मिर्धा के देहांत के बाद हुए उपचुनाव में दिग्गज नेता रामनिवास मिर्धा को हराया था, लेकिन बाद में वो सियासत से दूर हो गए। वैसे ज्योति मिर्धा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से नागौर लोकसभा सीट बड़ी दिलचस्प हो गई है। जानकार बताते हैं, और हुआ यूं है कि 2019 में जब हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला था, तब नागौर लोकसभा सीट वो मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस पुराने और वफादार परिवार मिर्धा परिवार को नाराज नहीं करना चाहता था। कांग्रेस ने अजमेर सीट ऑफर की किसको? बेनीवाल को। बेनीवाल ने ठुकरा दिया। फिर उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया और चुनाव जीते भी। नागौर सीट से वो सांसद हैं। याद रहे कि ये वही सीट है जहां 77 में इंदिरा गांधी विरोधी लहर में जब खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तब भी मिर्धा परिवार के पैर नहीं उखड़े थे, ये सीट जीती थी कांग्रेस ने। अब ज्योति मिर्धा बीजेपी में है, CR चौधरी पहले से दावेदारी कर रहे हैं, और बेनीवाल चुनाव में उतरेंगे ही। वैसे भी हनुमान बेनीवाल का बीजेपी से गठबंधन टूट चुका है। गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी को नागौर में एक मजबूत सियासी चेहरे की तलाश थी। माना जा रहा है कि ज्योति मिर्धा के आने से उसकी ये तलाश पूरी हो गई है। ज्योति मिर्धा ने 2019 में पहली बार नागौर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, सांसद बनी, और जो राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड कही जा रही थी सांसदों की, जिसमें सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, ये तमाम लोग थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसमें इनका भी नाम आता था। लेकिन उसके बाद 2014 और 19 दोनों का लोकसभा चुनाव हार गई। अब इस बार क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे ज्योति मिर्धा की बात करें तो उनका हरियाणा से भी संबंध है और कांग्रेस से ही संबंध है। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार में उनकी रिश्तेदारी है। ज्योति मिर्धा की बहन श्वेता मिर्धा भूपेंद्र हुड्डा के बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी है। इसके अलावा आपको G20 से जुड़ी, अगर आपको पूरा समझना है कि G20 में हुआ क्या इस पॉलिटिकल खबर के अलावा, तो आपको हमारा 11 सितंबर यानी आज का ललन टॉप शो देखना चाहिए। बाकी आपके लिए खबर हमारे साथी अभय ने लिखी थी। मेरा नाम अभिनव पांडे है, प्यार से सौरभ जी, ना जाने क्यों विधायक जी कहते हैं। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी जतिन कोटवाल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।